श्री अकाल, आदाब, क्या चल रहा है? होपफुली सब कुछ अच्छा चल रहा है, मजे में चल रहा है। एंड वापस से आ गई हूँ मैं मुनव्वर का एक और वीडियो लेकर। और आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मुनव्वर का ना व्लॉग नंबर 1 देखो, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी इसका लिंक शेयर किया गया है। तो हाँ जी, आ गए हम आप लोगों की रिक्वेस्ट कंप्लीट करने के लिए। तो जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो आप लोग भी अपनी रिक्वेस्ट मुझे भेज सकते हो। बस आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना एंड मुझे कॉमेंट करके बताना कि और किसके वीडियोज पे रिएक्शन चाहिए है। एंड दूसरी चीज, इसी ब्रदर की तरह आप लोग भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पर डीएम कर सकते हो, लिंक भी शेयर कर सकते हो, जैसे आप लोगों को ठीक लगे। जो भी मैंने सुनने में आया कि मुनव्वर को शूट के टाइम पर चोट लग गई है, तो होपफुली जो है वो जल्दी से ठीक हो जाए। वैसे इतनी सारी दुआएं हैं मुनव्वर के साथ में, तो डेफिनेटली उनको कुछ नहीं होगा, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे, बस रिकवर कर ले, ठीक है। एंड चलते हैं हम लोग हमारे ब्लॉग के साइड पे, बाकी की बातें करेंगे हम लोग ब्लॉग खत्म होने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी ऐसे सीखना पड़ेगा ना, लोग कैसे आड़ा पकड़ते, खड़ा पकड़ते मोबाइल। तो अभी एक शूट के लिए 500 किलोमीटर ट्रैवल किया है। 500 किलोमीटर, ठीक है, शूट के लिए। फर्स्ट साउंड था ना, आई थिंक जवाब। अभी हमें ऊपर चढ़ना है, ठीक है। मेरे तरफ से आवाज कम हुई है, वहीं से आवाज कम हुई है। तो यहाँ हमारे एक ब्लॉगर साहब है, यहाँ के लोकल ब्लॉगर, मतलब एकदम जड़ वाले, जड़ वाले। मतलब यहाँ का उनको सब चप्पा चप्पा पता है, मतलब ऐसा। हम लोग जब यहाँ से होटल से आ रहे थे ना, कुछ 60 किलोमीटर, तो उसने मुझे बोला कि एकदम आदिवासी एरिया है, ध्यान से कहीं गाड़ी रोकना नहीं, कार वार कहीं पे भी रोकना नहीं, ये वो। और मैं ठीक है, पूरे रास्ते मेरी तो गांठ फटी पड़ी थी कि अभी तीर कमान आएगा कहीं से। बेचारे सिंपल लोग रास्ते में ना, वो भेड़ चराते ना, जैसे गाय वाय घुमा रहे, भैंस भैंस को घुमा रहे, बेचारे बच्चे लोग लकड़ी लेके, ऐसे मासूम लोग था, और गांड फाड़ दिया था भाई। तो दोस्तों देखो, मैं यहाँ तक पहुंच चुका हूँ, ये लोगों की फड़ी, ये हमारे ये सीन ये है ना, ये कैमरा मैन, वो तो थक गए बोले, अरे भाई यही पे शूट कर लेते। लेकिन मैं बोला चलते, तो ये जो ब्लॉगर है वहाँ से कोई रास्ता ढूंढ के आया, बोले वहाँ से तुमको पहाड़ी पर लेके आया शॉर्टकट है। मैंने लिफ्ट लगाई क्या, पैसा चूजे आदमी हूँ बाबा, जूते पहन रहे ना, तो मैं सोचा ऊपर पहन के जूते, ऊपर जाके जूते पहनूंगा, वहाँ से शूट करेंगे, और ये पहाड़ है, घंटी फट गई। लेकिन और मैंने पहना क्या, देखो ये मान्योवर दिख रहा है, ये मान्योवर पहन के चढ़ रहा हूँ। A few moments later, ये देखो, ये बीड़ी सिगरेट पी के खत्म हो गया जनरेशन, तो मतलब एनर्जी नहीं रही है भाई, तो एकदम ऐसे चढ़ के खड़े इधर। आपने देखा होगा अच्छे अच्छे लोगों के चेहरे पर से चमक चली गई। ये देखो दोस्तों कितना खूबसूरत है, हमारे यहाँ पर भी एक ऐसी प्लेस है, बहुत ब्यूटीफुल लगता है वहां से व्यू। मैं एक चीज तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है। मैं ये भाई, ये हमारे एडिटर साहब है, ठीक है। अब एडिटर भाई ये देख के पता है क्या बोल रहे हैं, कि भाई एकदम वेक्टर आर्ट ही लग रहा है। अरे कहना क्या चाहते हो, मतलब चूंकि जब वेक्टर आर्ट अच्छा दिखता है तो अपन बोलते हैं नेचुरल लग रहा है, तो अभी नेचुरल को वेक्टर आर्ट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे यार, क्या बोल रहे ओ भाई, ये देखो बैठ गए। ओ भाई, ओ भाई क्या शॉट हुआ, बता काफी ब्यूटीफुल है, बहुत मस्त है। और ये जो ब्लॉगर है ना भाई यहाँ का, इसको कब से पूछ रहे कितना और ऊपर, कितना और ऊपर, चपटी चपटी बोलता है, चपटी मतलब पता है क्या, मतलब चुटकी इतना, मतलब वो जो बोलता है ना जॉनी लीवर, अब भी डिक करके देता हूँ, वैसे कब से चपटी चपटी, मतलब चपटी के नाम पे इसने कब से चूतिया बनाया भाई। लेकिन कोई ना, चढ़ रहे, मजा आ रहा है, सुबह के 8:15 बजे, ठीक है। निकले कितने बजे, और लोकेशन बहुत प्यारा है, और यहाँ पे शूट होने वाला है, रैप सॉन्ग का शूट है, बट ये ब्लॉग जब रिलीज होगा तब तक तो वो रैप सॉन्ग रिलीज हो चुका होगा, तो वैसी कुछ लोकेशन ढूंढ रहे थे बस। रैप भले अच्छा ना हो, गाना भले गंदा गाए, लोकेशन मस्त होना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए करो भाई, टीसी का फोन करेगा, अरे गुरु बंदा वाला आगे निकलता है जाता है भाई, चढ़ो भाई। और बस देखो, सांस तो किसी की भी खुल जाएगी, जज नहीं करना, तेरे मनोहर भाई में एनर्जी नहीं है जरा भी, ये वो ऐसा था, ये सब हरकत नहीं करना, इतना चलोगे सुबह सुबह अच्छे अच्छे की गांठ फट जाएगी, तुम बहुत जिम जाते पता है,
हाँ तो वो सब नहीं करना दो मिनट बाकी ऊपर चढ़ता हूँ जरा भाई कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम चेंज करेंगे फेस वॉस से मुंह धोएंगे फिर तो आएगा फोटो वोटो या कुछ देखते डालते या तू जा रही है तो दोस्तों मैं थोड़ा रेस्ट करने के लिए रुका रेस्ट करके जैसे थोड़ा थोड़ी देर रुका ना तो मेरे को म्यूजिक सुनाई दिया मतलब पहाड़ पे इतनी ऊपर म्यूजिक जो मैं जैसे देखा तो एक लड़का देखो ये दिख रहा है नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये देखो यहाँ पे भाई वो पहाड़ पे चढ़ के सो रहा है स्पीकर लगा के और उसकी बकरियां वकरियां देखो यहाँ पे आ रही है ये यहाँ पे कैसा चढ़ा ये मेरे को पहले पता नहीं है सेम क्वेश्चन वो वहाँ लेटा है और म्यूजिक बजा रहा है केवा बेवफा रे थया ठीक है ये मैं गाना ढूंढ के इसको डालूंगा कौन सा गाना सुन रहा है ये वाला गाना केवा बेवफा थया रे बकरियां भी आ गई है ठीक है ये भेड़ों की नस्ल जो है ना उनके लिए जवाब दे रहे तो उसका ही शूट चालू है तो वही भेड़ों की नस्ल को बता दे जरा अरे तो दोस्तों जो पत्थर वाला लड़का था जिसका अपन म्यूजिक सुन रहे थे वो फाइनली मैं उसको वो खुद ही आ गया तो अभी वो म्यूजिक बजाएगा ठीक है अपने को डांस करने का ठीक है चलो ये लोग इससे रास्ता पूछ रहे चढ़ने का रास्ता कौन सा उतरने का कौन सा यही रहेगा ना ये दिनेश भाई है दिनेश भाई नाम बताओ तुम्हारा नाम क्या है दिनेश नाम है भाई मस्त दिनेश भाई यहाँ पे बकरी वकरी चराते एकदम मस्त सैवेज है एकदम बटन वटन खुला रखते एक नंबर मजेदार बहुत मस्त आदमी है एक नंबर म्यूजिक सुनते और इनका गाना अपन भी सुनेंगे वापस बजाओ वापस नाचेंगे तो यार शूट चालू है यार इतनी मेहनत है धूप है बहुत है मौत है मत, 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 मजा आ गया ये गाना ट्रेंडिंग में आना चाहिए पता चल गया नहीं आएगा गाना ट्रेंडिंग में तो दोस्तों एक शेर अर्ज क्या है इरशाद शेर अर्ज क्या है क्या बकरी चढ़ी पहाड़ पे बकरी चढ़ी पहाड़ पे वो साइड से उतर गए चूतिए लड़के हो तुम चुप रहो सो 10:30 10:45 शूट यहाँ का खत्म हो चुका है बहुत ह्यूमिडिटी बढ़ रही है गर्मी हो रही है तो शूट यहाँ का कंप्लीट हो चुका है फर्स्ट ड्राफ्ट समझो मतलब एक कॉस्ट्यूम वाला तो बाकी का अब होगा और बस बाकी की अपडेट्स देते रहूँगा और व्लॉग में मज़ा आ रहा है तो दोस्तों बताओ व्लॉग किस चीज़ पे चाहिए कैसे चाहिए क्या करूँ आप बताओ तो और भी व्लॉग्स आएंगे कॉमेंट करके बताओ और शेयर करना पसंद आए तो लाइक तो जरूर करना दोस्तों एक एक गलत स्टेप और वाट लग जाएगी मतलब ये इतना नीचे डीप है ना कि आदमी गिरते हुए मतलब ऐसा जाएगा ना कि जिसकी कोई लिमिट नहीं फुटबॉल की तरह हाँ देखो ये हमारे जो कैमरामैन भाई है ये मतलब 40 बार गांड पड़ चुकी ये हम लोग जब कार में आया ना तो ये आदमी इतना तमीजदार था अभी देखो संगत का सर अरे वही मैं इतना तमीज से बात कर रहा था ये आदमी सुबह से कि आप जनाब हो ये जरा पानी गया ना गया मतलब मौत से की फटती बात कसम अब उतरने में अलग गांड फटती है फिर लोग बोलते हैं कि कौन लोग बोलते हैं अपने पूर्वज बंदर में बोल रहे हैं लेकिन समझ में आवाज नहीं निकल रही अच्छा कर देंगे और बीट डाल देंगे उस पे अच्छा अपन पहले से अभी बाकी है उतरने और जाना है मिलते हैं दोस्तों वैसे आधा घंटा लगता है उतरने में हम लोग 15 मिनट में उतर गए इसका रीजन ये था कि उसने बोला यहाँ पे भालू होते अच्छा तो जो स्पीड है ना वो अलग ही लेवल में बड़ी है जो उसने पहले नहीं बोला था और अभी मुझे क्यों कंफर्म हुआ कि यहाँ पे सच में भालू है ये गांव वालों ने देखो यहाँ पे ना ऐसे बॉर्डर बनाई है ये पूरे कांटों की बॉर्डर है पहाड़ पे जाने से पहले आपको एक कांटों से जाना पड़ेगा ताकि भालू गांव में ना आ जाए ठीक है तो ये भाई ने मुझे अभी बताया वो तो वो क्रॉस करके भी आ सकता है भालू कभी कभी आते कभी कभी आते रोज पड़े वो आज का दिन कभी कभी हाँ
तो यहाँ पे देखो ये जगह है, यहाँ से भी हम लोग जा सकते हैं। तो ये रस्ते से बाहर नहीं आ सकता, वो भी आ सकता है। देसी बेयर ग्रिल्स है हमारा, तो देखो जा रहा है अभी। तो ये सब करना पड़ता है। अब ये वीडियो को तुम लाइक नहीं करोगे, और जो अगर नहीं देखा रैप, जिसने नहीं देखा जाके देखो, जवाब जाके सुनो और बताओ कैसा लगा, और शेयर भी करना, उसको भी लाइक करना, बहुत मेहनत लगी बनाने में। तो दोस्तों अभी हम लोग पहाड़ी से जस्ट नीचे उतरे, और हम जो साइड से चढ़े थे वो डिफरेंट साइड थी, जो साइड से उतरे वो डिफरेंट साइड है। और यहाँ पे मुझे कुछ चीज अलग सी दिखाई दी, मतलब देखो ये कुछ मुझे ऐसे दिखाई दिया, एंड मैं सोच रहा था कि ये पहाड़ और जंगल एरिया में ये सब कैसे। तो मुझे यहाँ पे अपना लोकल बेयर ग्रिल्स है अपने यहाँ का गाँव का, उसने मुझे बताया कि ये आदिवासियों का मंदिर है। ओके। ये देखो ये यहाँ के जो आदिवासी रहते हैं उनका ये मंदिर है। और ये देखो इस तरह का यहाँ पे, मतलब काफी डरावना भी, बट एट द एंड अगर ये मंदिर ही है तो इसमें कोई डरने की चीज है नहीं। बट या काफी डिफरेंट हर चीज से, मतलब बहुत डिफरेंट है ये बाकी सब मंदिरों से। सो हाय दोस्तों, हम लोग वापस आ गए और शूट चल ही रहा है दोस्तों, दूसरा टेक ही है थोड़ा सा, और मजा आ रहा है। ब्रांड का नाम पता नहीं है, बट अगर होता तो मैं नाम नहीं लेता, बिना पैसे भी प्रमोशन नहीं करते भाई। अच्छा। दम लालची हो गई, लालची। अच्छा। सरकार की तरह मजाक कर रहा हूँ, सरकार की तरह। पांच वाला मैंने उसको बोला था, पिंक वाला चाहिए, प्लेयर लेयर अपने को नहीं पता चलता, बोला पिंक वाला दे दो भाई, मजा आया। दोस्तों तो अभी ये हमारा पहला व्लॉग है, तो जैसे बहुत कम नॉलेज है व्लॉगिंग की, बट कोशिश करेंगे कैमरे के सामने बोलना है, बताना है कि ये नीम का पत्ता कड़वा है, समझ। तो यहाँ पे हम लोग आए हैं, 500 किलोमीटर दूर है घर से, बहुत मस्त लोकेशन है, शूट किए, दो शॉट ऑलरेडी शूट कर चुके हैं और शूट कर रहे हैं। एक 15 अगस्त को जो वीडियो आने वाला है, मतलब जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे तो वो वीडियो आ चुका होगा, तो अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो तो जाके देख लो, लाइक जरूर करना, पसंद आया तो शेयर भी करना। और तो व्लॉगिंग चालू है, तो पहला व्लॉग है, और ये व्लॉग है अबाउट माय फर्स्ट रैप सॉन्ग, शायद लास्ट भी हो पता नहीं। तो बस बताते रहूँगा, डिटेल्स आते रहेगी, और थैंक यू भाई। तो बहुत शुक्रिया, तुम इसके लिए हमारे दरवाजे पे चले आए। ये अपना जो बेयर ग्रिल्स है ना गांव वाला, इसने बोला ये पानी नहीं पीना, इसमें आयरन ज्यादा है। मैं बोला गांव में पानी आ रहा है, यही बड़ी बात है। आयरन ज्यादा रहे या कुछ भी रहे, वेट नहीं कर, वेट नहीं कर। मजा आ रहा है, एकदम ठंडक हो रही है, और अभी हम यहाँ बैठे हैं। यहाँ से 4 किलोमीटर वॉकिंग है, कितना, 4 किलोमीटर वॉक करने का, 4 किलोमीटर वॉक। यार हुआ सुन के यहाँ लग रहा है यार, गाना बनाओ या नहीं बनाओ, मतलब औलाद ही सही नहीं पता कर पाए म्यूजिक। ये मुझे कुछ काट दिया है, क्या काटा है पता नहीं, जंगल ही है पूरा, तो कुछ भी काट सकता है। तो जरा भी कमेंट में जरा भी बकचोदी नहीं चाहिए कि ये क्या हुआ, ये कैसा कहा गया थे, वो समझ गए। और मैं तुम्हारे को ये बताने के लिए आ रहा क्या, पूरा थेपला, खाने पे है। थेपला है, गुजराती लोगों को थेपले के बिना थोड़ी चलते हैं। और ये है छुंदा, छुंदा आम से बनता है, आम को सुखा देते हैं और उसमें बहुत सारी मिर्ची पड़ती है, बहुत टेस्टी होता है, मजा ही आ जाता है। नारियल की चटनी भी कसम से ना, यम यम खा, कभी खाना खा रहे हम लोग जो 4 किलोमीटर चलने का, अभी खा के याद है, फिर 4 किलोमीटर चलना है तो फिर 4 किलोमीटर आना भी है, पानी आ रहा है, 8 किलोमीटर है टोटल, थोड़ा खा लेते हैं, अपडेट करता हूँ आगे का रास्ते का, ठीक है। और ये कुछ काटा है, ठीक है, जरा की बकचोदी नहीं, काटा है तो जानवर पता नहीं। हाँ दोस्तों ये है ना चिल लाइफ, क्या मजे है देखो, एकदम कोई टेंशन ही नहीं, कोई बोले या नहीं। तो बच्चे अपन बचपन में खेलने आते थे कहीं तालाब वालाब में, तो घर से अगर आवाज आता कोई बुलाने आता था
यहाँ पे इनको घर से बुलाने कौन आएगा, अम्मा अब्बा सब तालाब में, सब अंदर ही थे, पूरा फैमिली मस्त। तो ऐसी झाड़ के बाल में दोस्तों, यहाँ पे 4 किलोमीटर वॉक इसलिए करना है क्योंकि 4 किलोमीटर ऐसी ऐसी रास्ते है, मतलब एकदम ऐसे, मतलब ना बाइक जा सकती है ना कार जा सकती है, तो आपको सिर्फ 4 किलोमीटर चलना है, वॉक करना है। हाँ तो मजा आने वाला है, देखते हैं। हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है तो लोकेशन देखा जाए तो मुनव्वर ने एक शूट के लिए कितनी लोकेशन चेंज की है, राइट। और उस टाइम पे ये ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे थे, मतलब मेहनत बहुत कर ली है, वो बहुत प्यारा है, फल मिला है। और मैंने फोटोज भी देखे तो मैं 4 किलोमीटर नहीं, शायद अगर वो 10 किलोमीटर भी होता तो मैं उस लोकेशन के लिए वॉक करता। अब देखते हैं, फोटो में तो वो दिख रहा है जैसे इंस्टाग्राम पे लड़कियों के फिल्टर वाले फोटो में, समझ नहीं आता ना अपने को, मेरे को लगता है तो भाई एक नंबर है, बट वो फोटो ऐसा क्लिक कर देते वैसा ऐसा आधा आधा फोटो देख के अपने को पता नहीं चलता ना, तो हो सकता है ये लोकेशन में भी अपन गफलत खा जाए लड़कियों पे, लेट्स सी। बट जा तो रहे, तो वहां पे लोकेशन पे पहुंच के मिलता हूं। डरा दिया भाई, बोलो देखो ये बोलता है, ये जो पत्थर दिख रहा है ये बोले ये निशानी है एग्जिट की, तो ये याद रखना। मैं बोला तू रिटर्न नहीं आने वाला है क्या, आदमी नहीं मरने वाला रहता है। हमारे भाई ने बोले कि मरने से पहले आदमी ऐसी बातें करता है कि मेरी आखिरी निशानी है, ध्यान रखना। तो अगर ये व्लॉग से आने में एक इंसान कम हो जाता है तो ये व्लॉग को आप लाइक भी करना और RIP भी लिखना कॉमेंट में। यार मेरे को ना देखो वो जो है ना वो पत्थर, वो हाँ वो पत्थर के पीछे बंदा है वो पिक्चर के पत्थर के पीछे पबजी वाले ही समझेंगे। और देखो तुम लोगों को लग रहा होगा ये देखो लेवल 3 का बैग भी है इनके पास, भाई कहाँ गया दिखाओ जरा, ये ब्लू वाला जो बैग है ना ये लेवल 3 का बैग देखो, और ये देखो ये स्क्वाड है हम लोग का, ये 3 लोग, ये 3 बॉट है, ये देखो ये बॉट। तो भाई स्पीड बता रहा था, इसे ये सब करने का बहुत शौक है जंगलों में घूमने का, तो मैंने भी क्यूरियोसिटी में पूछ लिया उससे कि कैसे हुआ, तो वो बताएगा वो क्या भाई कैसे शूट किया। मैं 9th स्टैंडर्ड से ना ऐसे स्कूल बंद करके कभी भी ऐसे नॉर्थ में आ रहा हूँ, अपने नॉर्थ गुजरात में आके जंगलों को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, और अपनी ना स्कूल के टीचर के साथ सेटिंग है, कभी शिकायत घर पे नहीं जाती कि आपका बच्चा आ नहीं रहा स्कूल में। अच्छा वैसी वाली सेटिंग क्या? हाँ भाई भेड़ चाल चलते नहीं है लेकिन ये देखो भेड़ है सारी, और बारिश शुरू हो गई और लग नहीं रहा कि बारिश बंद होगी, तो शायद पैकअप करना पड़ेगा, लेट्स सी क्या होता है। सो दोस्तों जो दूसरी लोकेशन थी उस पर शूट हो चुका है, प्रॉब्लम ये हुआ था जब लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से बात की उसके बाद बारिश हुई, हमें वापस कार की तरफ जाना पड़ा 1 किलोमीटर जो वॉक था, फिर वापस जब बारिश रुकी धूप निकली उसके बाद वापस 1 किलोमीटर, मतलब जो हमें 8 किलोमीटर था वो अब 10 किलोमीटर हो गया, मतलब 5 किलोमीटर आना 5 किलोमीटर जाना। तो अब शूट कंप्लीट हुआ, अभी यहाँ से जाना है 5 किलोमीटर वॉक करके, नहीं 4 किलोमीटर वॉक करके, यार हिसाब कर लेना तुम लोग समझदार हो ना, तो समझ गया ना। तो यहाँ पे भी शूट किया है, तो हमें जाना था एक्चुअली ये वाली पहाड़ी है ना उसके पीछे एक झरना है वहां पे शूट करना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग वहां नहीं जा पाए क्योंकि वो झरना चालू ही नहीं, समझ रहे, तो वो यहाँ पे आने के बाद पता चला। तो बस अभी एक लास्ट शॉट है और अब जो जा रहे हैं वो बहुत मजेदार लोकेशन है और वहां पे थोड़ी मस्ती भी करेंगे, बहुत मजे करेंगे, तो बस वहां पहुंच के मैं आप लोगों से बात करता हूँ। बैटरी लो से याद आया, क्या ब्लॉगर बनेगा बे तू, क्या छी दोस्तों। अभी हम लोग ने गाड़ी एक जगह पे रोकी थी, देखो ड्रॉप गिरा, ड्रॉप बनाया मैं ड्रॉप क्या है ना बस, मतलब ये पबजी ने क्या कर दिया है, पबजी ने मतलब सब कुछ, ये देखो ड्रॉप पड़ा हुआ है, देखो अभी हमारे भाई जो है ना, क्या बताओ तुम जरा पबजी स्टार्ट किया था क्या फील कर रहे थे? अरे हाँ यार, मैं जब पबजी स्टार्ट किया तो 1 महीना ऐसा लग रहा था गाड़ी चला रहा था, ऐसा लग रहा है मैं एरेंगल में गाड़ी चला रहा हूँ, तो सामने से कोई गाड़ी आता लाइक चलो ठोक देता उसको, ठोक देता माइंड में पूरा जहाँ भी कुछ लाल कलर का तो ऐसा लगता था कि फ्लैट पड़ी सब बात में ऐसा कुछ लकड़ा कुछ भी झाड़ कर लगा। एक्चुअली मजाक के अलावा ये बहुत वो है, रिस्की है देखा जाए। तो दोस्तों लास्ट शॉट के लिए लोकेशन ढूंढ रहे, कोई ऐसी
ऐसी लोकेशन जहाँ हम शूट कर ऐसे सकते हैं साइलेंट लोकेशन चाहिए। और अभी हम लोग एक ढाबा पे, यहाँ पे ढाबा पे खाना नहीं खा रहे, चाय पीने के लिए रुके। मैं तो चाय नहीं पीता, पीता हूँ बट उसके लिए गाठिया या खाखरा कुछ चाहिए साथ में ठोकने को, मतलब कुछ ठोकने को रहे तो वैसा कुछ चाहिए तो ही मैं चाय पीता हूँ, बाकी चाय नहीं पीता, मलाई वाली होगी। तो यहाँ पे चाय भी वो लोग पी, बाकी सब टीम वाले। तो मैं तो यहाँ पे ऐसी चिल कर रहा हूँ और बस बहुत थक गए, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। और मेरे लिए बहुत नया है, ठीक है, ये ब्लॉगिंग तो सीख रहा हूँ, ठीक है। तो ये अच्छा ब्लॉग किया, फर्स्ट ब्लॉग है लेकिन बहुत अच्छा किया। खरीदेंगे अपन कैमरा, माइक, ये सब खरीदेंगे, ठीक है। दोस्तों मैं बोल रहा था कि गाठिया होता तो मैं चाय पीता हूँ, तो इसने बोला कि यहाँ पर गाठिया मिलता है। तो और बाइटिंग, बाइटिंग और शराब के साथ जो पीते उसको बाइटिंग बोलते हैं, खाते उसको बाइटिंग बोलते हैं ना, ज़्यादा अच्छी बाइटिंग क्यों बोलने का हराम चीज़। तो गाठिया का नाम देखो क्या है, बाइट्स, ये कंपनी का गाठिया। तो अभी गाठिया और चाय मस्त, मतलब ये इससे बेटर नाश्ता कॉम्बिनेशन कोई नहीं होता, चाय गाठिया मस्त। हमारे में तेरे बाप को मस्त चल पहली बार बैठा ना आपके पीछे, कितना भाई कितना पानी है मुंबई में, तो भाई बहुत मजा है। नहीं भाई दोस्तों ये लास्ट लोकेशन है और लास्ट लोकेशन पे इतनी बारिश हो रही है और मतलब आज मतलब ऐसा हो गया कि इंग्लैंड में क्रिकेट मैच खेल लेते अच्छा होता। तो तीनों लोकेशन पे गए, तीनों लोकेशन पे बारिश के से रुक गए, फिर बारिश गई, फिर हमने शूट किया। तो एट द एंड सब कुछ ठीक हो रहा है और बस एक लास्ट शॉट है शूट का, तो बस ये बारिश रुक जाए वो कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। और यहाँ पे कोई डीएल मेथड भी नहीं है कि डीएल मेथड से जीत गए, यहाँ तो जब तक काम नहीं होगा ख़त्म नहीं होगा। बहुत गंदा एग्जांपल था आई नो, बहुत गंदा एग्जांपल था डीएल मेथड का, बट कोई ना। और मैंने क्या पहना है वो तुमको देख ही जाएगा। हाँ तो दोस्तों ये हालत हुई है शूट करके, और पहला व्लॉग भी शूट हो गया हमारा और गाना भी शूट हो गया। और शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बस इंजॉय करते रहो और व्लॉग्स आते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा ये व्लॉग बना के, और मैं और भी व्लॉग बनाऊंगा, तो आप सजेशन दो तो कॉमेंट में डाल देना। सो यस फाइनली वीडियो खत्म हो चुका है एंड फर्स्ट व्लॉग था, लेकिन ऐसे देखने से बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि फर्स्ट व्लॉग है। बहुत अच्छे से जो है एडिटिंग की है, बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है, बहुत अच्छे से व्लॉग बनाया है, यही बोल सकती हूँ। और मेहनत बहुत की है, मतलब यहीं से स्ट्रगल समझ में आता है, तभी जो है ना, मतलब बोलते हैं ना कि मेहनत करने वाले का कभी भी जो है ना, मतलब मेहनत का फल मिलना ही मिलना है, वो कभी भी जो है ना उसको मेहनत का फल ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता है, राइट। एंड तभी आज जो है यहाँ तक पहुँचे हैं मुनव्वर, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है। और ऐसा नहीं बोल रही है सिर्फ मुनव्वर, जो भी हर कोई स्ट्रगल कर रहा है, जो भी स्ट्रगल करता है उसको सक्सेस मिलना ही मिलना है, तो सबको ऑल द बेस्ट। यस चलती हूँ मैं, बहुत ज्यादा लेक्चर नहीं देना है मुझे, वीडियो ऑलरेडी लंबी है। तो अगर आप लोगों को भी उतना ही पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में, एंड ऑफकोर्स मुनव्वर की जनता के साथ में भी। एंड मुझे कॉमेंट्स करना शुरू कीजिए, यहाँ तक देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है आप लोगों ने, एंड मुझे यहाँ तक देखने के लिए रियली थैंक यू सो मच गाइज। तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक खुद का ख्याल रखें, खुश रहें एंड थैंक यू, टाटा बाय बाय। Over the edge, feel like I'm floating.